हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रक्षाबंधन है एंड पता नहीं आजकल पर्व को क्या हुआ है कि कोई भी एक दिन नहीं हो सकता है, दो दिन रक्षाबंधन है। पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ था, इस साल भी 30th एंड 31st दो दिन रक्षाबंधन है एंड दोनों के साथ टाइम स्टैम्प्स भी दिए गए कि इतना बचे ही राखी बांधना है। एंड अब टाइम स्टैम्प्स देते तो लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं भाई इतनी बचे करना है। सो हम 31st को मनाएंगे राखी, पर अर्ली मॉर्निंग है तो अर्ली मॉर्निंग में सारा कुछ प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम 30th के इवनिंग में ही हम सारे प्रिपरेशन कर लेंगे सो दैट हमें मॉर्निंग में दिक्कत ना हो, क्योंकि 7 बजे के बाद राखी नहीं बांधनी है। पर पता नहीं आजकल पर्वों को क्या हुआ कि एक दिन क्यों नहीं आता है, एक दिन प्रॉपरली फुल डे आए ताकि आदमी को भी टाइम मिले फुल प्रिपरेशन का। पर आजकल इनके लिए भी गेम हो गया कि दो दिन मनाओ, कोई भी चीज़ें 2 दिन मनाओ, रक्षाबंधन हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो। सो कल हम लोग क्या करेंगे वो मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी। सो देखने के लिए आगे तक बने रहना एंड तक। बाय। मैं अपने ससुराल में हूँ एंड मेरा भाई जमशेदपुर में है, मैं नहीं जा पाती हूँ। जमशेदपुर में है एक भाई बैंगलोर में है, एक भाई दुर्गापुर में है, तो तीन भाई तीन अलग अलग जगह पे, तो ऑब्वियस बात है मेरा रहना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने तीनों को राखी तो भेज दी है एंड उनसे कह दूँगी कि वो मुझे फ़ोटोज़ या वीडियो कॉल में ऐडअप कर ले जब वो राखी बांधे। एंड अगर वो अपने बिजी स्केड्यूल से उन्होंने ये टाइम निकाल के मुझे बना के वीडियो भेज दिया या फिर फ़ोटोज़ भेज दिया तो मैं उसको ज़रूर अपने ब्लॉग में कहीं क्लिप में डाल दूँगी, तो दैट आप भी देख पाओ मेरे तीनों भाइयों को। मेरा तीन भाई है, बड़ा हर्ष नाम है, छोटा कनिष्क और सबसे छोटा वाला अभिनंदन। सो ये तीनों को मैंने राखी तो भेज दी है पर ऑफिस बात है मैं नहीं हूँ तो राखी उन्हें खुद से पहनना होगा। पर मेरी मौसी की दो बेटियाँ हैं, उन्होंने उन वो लोग बांधेगी मेरे भाई को अभिनंदन को मतलब, पर दो जो है वो बाहरी है, वो छूट जाते हैं हर साल और हर साल राखी में छुट्टी मिलती नहीं है तो आना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैं राखी भेज देती हूँ। एंड तीन जन तीन जगह है तो तीन जगह जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, पर हाँ अगर वो मुझे वीडियो या फ़ोटोज़ भेज देंगे तो मैं ज़रूर इसको इसमें डाल दूँगी। चलते हैं, बाय। क्योंकि मैंने राखी की प्रिपरेशन के लिए ये लगाया है कि कल अच्छा स्किन दिखे, पर मैं आपको बताती हूँ मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क, ये बहुत अच्छा है। इसमें नो पैराबिन है, नो मिनरल ऑयल है। गुड वाइब्स के जितने प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल पैराबिन फ्री है, बिल्कुल कोई मिनरल ऑयल नहीं है इसमें, बहुत ही स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एंड ये बहुत अच्छा है। इसको धो के जब मैं आऊँगी तब मैं आपको आफ्टर इफेक्ट दिखाऊँगी मेरी स्किन कितनी ग्लोई हो जाती है एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी टैनिंग और ड्राई स्किन और उस इस फेस के डलने से परेशान हो तो पपाया ज़रूर लगाना, पपाया फेस मास्क। वैसे आप अगर नॉर्मल फुल्ली राइट पपाया भी अपने फेस पे लगाओगे तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है, पर अगर अनफॉर्चुनेटली या फिर कभी ऐसा हुआ कि आपको नहीं मिल पाया पपाया एंड लोग आपको टोके कि पपाया खा लो यार लगा क्यों रहे हो, तो वही इसके लिए पपाया मास्क है। सो दैट कोई ये आपको ना बोले कि पपाया मास्क खा लो यार लगा क्यों रहे हो, तो पपाया मास्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई फील। क्या देख सकते हो मैं फेस धो के आ गई हूँ एंड कभी भी फेस को रब करके नहीं पोंछना चाहिए, हमेशा टैप करके पोंछना चाहिए क्योंकि आपकी स्किन में ये माइनर बहुत छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं। सो आप देखो ये पपाया मास्क कितना अच्छा काम करता है। अब एक्चुअली पपाया मास्क लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट दूंगी अपने चेहरे को, तो मैं लगाऊंगी दूसरा एक नया मास्क। वो मास्क है ये खादी नेचुरल्स का सैंडलवुड, ये मैं वीक में एक बार लगाती हूँ, 15 दिन में 2 बार एटलीस्ट लगाती हूँ। इससे बहुत ही कूलिंग सेंसेशन मिलता है, चंदन आपके फेस को कूलिंग सेंसेशन देता है, तो थोड़ा सोच रही हूँ इसको लगा के आ गई हूँ तो इसको मैं गुलाब जल से मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाऊंगी, सूखने तक रखूँगी एंड देन वॉश कर लूँगी क्योंकि कल राखी है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए मुझे एंड मैं रिस्क लेना चाहती भी नहीं हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा स्किन थोड़ा ग्लो करे। सो आईब्रोज तो बनाया नहीं है तो एटलीस्ट स्किन ग्लो कर ले क्योंकि आईब्रोज पर ध्यान ना जाए लोगों का। सो आप देखो पपाया स्किन का पपाया ग्लो मास्क का स्किन का आई मीन पपाया मास्क के बाद लगाने के बाद स्किन का टेक्सचर और स्किन का ग्लो जो होता है वो कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है मेरा स्किन। पर सैंडलवुड लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी इसका इफेक्ट। मैंने लगा लिया है सैंडलवुड खादी नेचुरल्स का सैंडलवुड मास्क और ये भी थोड़ा लगाने के बाद टिंगलिंग इफेक्ट होता है, जैसे पपाया वाला मैंने लगाया तो उसको लगाने के बाद भी टिंगलिंग इफेक्ट हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं। पर अगर बहुत ज़्यादा टिंगलिंग इफेक्ट हो, बर्दाश्त ना हो तो प्लीज़ इमीडिएटली वॉश कर लें क्योंकि वो आपके स्किन को सूट नहीं कर रहा है। पर अगर एक टाइम पे टिंगलिंग इफेक्ट होने के बाद वो शांत हो जाए तो इट्स ओके, वो
इट्स अ गुड साइन, वो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पर कंटिन्यूस रहे तो वॉश कर लीजिएगा। पर ये अभी मैं इसको रखूँगी, टोटली ड्राई होने दूँगी इसको जब तक ये केकी ना हो जाए बहुत ज़्यादा, जिसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर इफ़ेक्ट अच्छा होता है। तो इसको धोने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने चेहरे का इफेक्ट। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने भाई को कॉल करने, उसको याद दिलाने कि 7 बजे से पहले राखी पहन ले वो, तो उसको वीडियो कॉल करूँगी, उसको थोड़ा डराऊँगी। एंड जब तक मास्क अभी गीला है तब तक मैं बात कर सकती हूँ, सूखने के बाद मैं बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए सोच रही हूँ उसको अभी कॉल कर लूँ। ठीक है, बाय। जी अब आप देख सकते हैं ये सूखने लगा है, आप कोशिश करना है कि इसका पतला पेस्ट बना के लगाओ, क्योंकि अगर थिक पेस्ट लगाओगे तो ये सूखने में बहुत टाइम लगाएगा। पर मेरा अभी देखो ड्राई होने लगा, मैं डायरेक्ट फैन के नीचे बैठी हूँ क्योंकि टाइम 10:30 हो चुका है, रात का सुबह जल्दी उठना है, तो इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकती। और इसके बाद भी मुझे अपने स्किन पे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र एंड सीरम्स लगाने हैं। तो अभी देखो ये सूखने लगा है, यहाँ से नाक के पास से सर के पास से ये ऐसे ही एकदम सूख जाएगा, तो मैं इसको जा करके वॉश कर लूँगी एंड नॉर्मल वाटर से वॉश करूँगी, फेस वॉश नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि यही मेरा फेस वॉश का काम करेगा। मैंने फेस वॉश पहले ही कर लिया था, स्क्रब कर लिया, उसके बाद मैंने पपाया मास्क लगाया, उसके बाद मैंने सैंडलवुड मास्क लगाया, इसके बाद मैं लगाऊंगी पेप्टाइड का फेस मास्क जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी। पर उसके लगाने के बाद मैं उसको थोड़ा ट्राई करूंगी अपने चेहरे पे, फिर सेरामाइड लगाऊंगी मैं, पर मैं वन बाय वन करके दिखाऊंगी आपको। पर ये भी सूखने लगा है तो बात करने में तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आगे का दिखाऊँगी। ओके, मीनवाइल जब तक ये छोटा सा पार्ट सूखता है मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं क्या पहनूंगी, मेरा आउटफिट ऑफ द डे दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे, ये सूट के साथ मैं ये चूड़ियाँ पहनूंगी जिसमें मैं लुम्बा डालूंगी एंड इसके साथ मैचिंग ये इयर रिंग। ये सूट बिल्कुल नया है, देखो मैंने मिंत्रा से खरीदा था, इसका मैं लिंक मेंशन कर दूंगी नीचे। पर ये बहुत प्रिटी सूट है, फर्स्ट टाइम पहनूंगी इसको, तो ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे है। सो कल पहन के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। ये वॉश करके अब मैं लगाऊंगी ये मिनीसो का पेप्टाइड सीरम मास्क, इसको लगा के मैं 20 मिनट्स छोड़ूंगी, 15 to 20 मिनट्स, काफ़ी लेट हो चुका है क्योंकि सैंडलवुड मास्क सूखने में बहुत टाइम लगा, पर इसको फटाफट लगाती हूँ अब। ठीक है, ये मैंने लगा लिया मास्क, अब इसको रखूँगी 15 to 20 मिनट्स एंड देन इसको इसके ऊपर सेरामाइड लगाऊँगी। तो पेप्टाइड मास्क निकाल लिया मैंने, इसके बाद मैंने लगाया है ये नायका का सेरामाइड क्रीम, सेरामाइड सीरम एक्चुअली, इसमें 1% ओट्स है, रिपेयर्स एंड मॉइस्चर्स, प्रमोट्स हेल्दी स्किन। इसको लगाने के बाद मैं अब थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, हालांकि मेरी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चर्ड है, फिर भी मैं इस पर एलोवेरा जेल लगा के हल्का मसाज करूंगी एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी ये एम के फिन का अंडर आई क्रीम, क्योंकि अंडर आई क्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिप बाम लगा करके नाइट रूटीन ख़त्म करके अब मैं जाऊँगी सोने। तो वी आर डन, नाइट स्किन केयर रूटीन हो गया है, अब एसी ऑन करूँगी एंड सो जाऊँगी क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1 घंटे तो मुझे स्किन केयर करने में लग गया आज, पर इसका इफेक्ट मैं मॉर्निंग में दिखाऊँगी उठ करके, बहुत अच्छा हो जाता है स्किन रात भर, इस आपकी स्किन आराम से हील होने का टाइम मिलता है आपकी स्किन को। और अभी मैंने स्किन केयर कर लिया है, बाल मैंने कॉम कर लिए हैं और मैं चली सोने। आओ 2 मिनट उसको दे लीजिए। नहाया है क्या? अरे
और ये का राखी। अरे आपके हाथ में पहले से दो है, तो बहुत अच्छा चार है। ठीक है, मिठाई खिला दो बेटा, टीका लगाई। अरु एलियन बन गई है ना अरु, जादू करने आया है, जादू तो नहीं आया। ये देखो वो भी सरसी का हजारी बात का, ये भी हजारी बात का, वो भी हजारी बात का, ये हजारी बात का, सब हजारी बात का। हेलो, तो आज है राखी का दिन और हम लोग पार्क में आए फोटो शूट करने। एंड हाँ देखो भरा हुआ है, मैंने भी पहन लिया है एंड मेरा चांदी वाला नहीं दिख रहा, चांदी का भी है। तो ये मतलब क्या है, चांदी का है, दिखाना बनता है यार, आया है तो ये इधर सबसे फ्रंट में होना चाहिए। और कुर्ता पजामा कोई पहना था पर कंफर्ट मैटर्स, और पजामा में लोग कंफर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं। आज सही है, कल से सावन खत्म, नॉन वेज खाना शुरू। आज से सावन खत्म, हाँ मतलब आज से, आज थर्सडे, तुम लोग आज भी सावन ही है तो कल से है ना। अच्छा खाने को तुम आज भी खा सकते हो, बट आज थर्सडे पड़ जाता है तो थोड़ा सा सीन है उसका। चलो घर चलते हैं, लाइक द केयर, हाँ वी डोंट केयर, पर घर चलते हैं। वैसे तो बहुत कोशिश कर गया था कि ये व्लॉग अपना हो, क्योंकि कोई प्लेट डेकोरेशन का फोटो खींचना भूल गया, पर इट्स ओके, पर इट्स ओके, वीडियो है। नहीं नहीं फोटो है, नॉट वीडियो। नहीं फोटो और वीडियो दोनों है। घर जाके आज हम लोग बड़े जगह घर जा कर के राखी मनाए थे। रीजन क्योंकि बड़े के घर जाना चाहिए, क्योंकि बड़े भैया है इसलिए बड़ों के घर जाना चाहिए, आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो या हम लोग जाते या वो आ जाते, लेकिन इस बार हम लोग सबके उनके घर गए थे। क्या बताना है इसमें, हम लोगों ने राखी बांध लिया और सुंदर सुंदर राखी और ख़त्म हो गया, राखी शुरू होते ही पहले ही से ख़त्म हो गया। मतलब इतना छोटा टाइम पीरियड होता है ना कि पता ही नहीं चलता कब आया गया, अगर पूरा पूरा पहले पूरा पूरा दिन होता था, पहले क्या होता था अभी कुछ घंटों का होता है। हाँ पहले ये होता था ना कि एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, हम लोग एक दूसरे पीस नहीं, आजकल टाइम स्लॉट भी तो दे देते हैं ना कि इतने में से बांधने के बाद राखी खत्म है, तो वो हाँ। वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। वो दो जैसे 7:05 तक आपको राखी बांध लेनी चाहिए थी, दो घंटे में राखी खत्म हो गया हम लोग का। 7:05 के लिए इंसान 6 उठा है और 7:05 में राखी खत्म हो गई, तो 2 कहाँ बचा आपके पास, एक घंटा एग्जैक्टली। जिसमें भी कि आप 20 मैक्स और 20 एटलीस्ट आप वॉशरूम में रहे होंगे, ब्रश कर रहे हैं, हम खुद थे 20 वॉशरूम में, आप मेरे को टॉन्ट मार रहे हैं। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं किसको बोल रहे हैं, ऑन एन एवरेज इंडियन पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक्चुअल में राखी में कितना टाइम बचा, 10 पर हम लोग जाएंगे थोड़ा बाहर आज सेकेंड हाफ में। एक मिनट, बाहर जाने का कमिटमेंट कौन कर रहा है भाई, मैंने कब कहा चलो नीचे चलते हैं मैदान में, तुम्हारा 2-4 फोटो खींच लिया जाए, हम जा रहे हैं कंफर्टेबली चेंज कर लेते हैं। नहीं नहीं आप बाहर लेके जाएंगे मेरे को, ऐसा मेरा वो सपना आया था। मेरा राखी नहीं हुआ ना, तो क्योंकि भाई लोग हैं नहीं यहाँ, तो मेरा राखी बना दीजिए, अपना तो बांध उन दिए राखी थे हमने, राखी के नाम पे मॉल पे जितने बंदे मिलेंगे सबको राखी बांध दूंगी। क्या चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या जा रहे हैं हम लोग घूमने, और घूमने से आपका मतलब क्या है, घूमने का मतलब सिर्फ घूमने से, और उससे क्या मतलब होता है, घूमने का मतलब सिर्फ घूमने, गाज़ियाबाद में घूमने का जगह भी कुछ नहीं है, इनफैक्ट जितना है वो हम लोग सब घूम ही चुके ऑलमोस्ट, कुछ नया नहीं है। पर हम लोग इस बार जाएंगे वो वाला मॉल, गौर सिटी वाला, देखते हैं। नहीं हम लोग जाएंगे, देखते हैं, नहीं जाएंगे, विल सी, जाएंगे। ये कुर्ती है मिंत्रा का, लंबा, और ये राखी, एंड
और तो कुछ भी नहीं किया, बस यही है। इसका लिंक मेंशन कर दूँगी, बहुत खुशी है। आज उद्घाटन हुआ इसका।